नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। तो बड़ी खबर किरोड़ी और राठौड़ में नोकझोंक पर कांग्रेस नेता का बयान सामने आया है और कांग्रेस नेता जसवंत गुर्जर ने बयान दिया है। बीजेपी नेताओं के द्वारा आदिवासी सांसद का अपमान है, गुर्जर ने यह बात कही है। ये उनकी मनुवादी सोच को प्रदर्शित करता है, ये बात गुर्जर की तरफ से कही गई है। इनका उद्देश्य इस वर्ग का वोट लेना है, इस बात को भी कहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, किरोड़ी और राठौड़ में नोकझोंक पर कांग्रेस नेता ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना इनकी मजबूरी है और उनकी सोच समझ व्यवहार आरएसएस की नीति है, ये बात गुर्जर ने कही। तो किरोड़ी और राठौड़ में जो नोकझोंक हुई उस पर कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिया गया है जिसमें बीजेपी नेताओं के द्वारा आदिवासी सांसद का अपमान किया गया है, ये बात गुर्जर ने कही है। ये उनकी मनुवादी सोच को प्रदर्शित करता है, इस बात को भी गुर्जर ने कहा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को देना भी इनकी मजबूरी है, ये बात भी उन्होंने कही। और उनकी सोच समझ और व्यवहार आरएसएस की नीति है, गुर्जर की तरफ से इस बात को कहा गया। तो किरोड़ी और राठौड़ में नोकझोंक पर कांग्रेस नेता की तरफ से यह बयान दिया गया है। बीजेपी नेताओं के द्वारा आदिवासी सांसद का अपमान है, ये बात गुर्जर ने कही है और ये उनकी मनुवादी सोच को प्रदर्शित भी करता है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना इनकी मजबूरी है, इस बड़ी बात को गुर्जर ने कहा है। ये उनकी सोच समझ और व्यवहार ये सब आरएसएस की नीति को दर्शाता है, इस बात को भी गुर्जर ने कहा है। तो किरोड़ी और राठौड़ में जो नोकझोंक हुई उस पर कांग्रेस की तरफ से अब यह बयानबाजी हो रही है। तो किरोड़ी और राठौड़ की आपसी बहस को लेकर के, नोकझोंक को लेकर के कांग्रेस की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बीजेपी नेताओं के द्वारा आदिवासी सांसद का अपमान किया गया है, गुर्जर की तरफ से आरोप लगाया गया और ये भी कहा गया कि बीजेपी की मनुवादी सोच को ये प्रदर्शित करता है, उनकी सोच इससे ही प्रदर्शित होती है। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना इनकी मजबूरी है और ये उनकी सोच और समझ व्यवहार आरएसएस की ही नीति है। तो ये बड़ा बयान दिया गया है किरोड़ी और राठौड़ के नोकझोंक को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी के घोषित राष्ट्रपति का उम्मीदवार जयपुर आ रहा है तो उसी के वर्ग के एक कद्दावर नेता का सामंती सोच के लोग और सामंती सोच के इस राजनीतिक दल के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा जिस प्रकार का अपमान किया जा रहा है तो बड़ी दुख की बात है। एक तरफ वो वोट राजनीति को बांट रहे हैं उस वर्ग के नाम पे और दूसरी तरफ उसी वर्ग के व्यक्ति को इस प्रकार अपमानित किया जाता है, ये इस सोच को प्रदर्शित करता है कि भाजपा का सिर्फ और सिर्फ मापदंड चुनावी राजनीति और वोट की राजनीति है। बाकी उनका इस वर्ग के नेताओं से और इस वर्ग के आम साधारण व्यक्तियों के प्रति कहीं दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। उनकी वही मनुवाद की सोच है, वही सामंत की सोच है जो उनके व्यवहार में यदा कदा झलकती रहती है।